दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि सनातन धर्म का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। सनातन धर्म का जादू सबके सर चढ़ बोल रहा है। जी हाँ, आप अक्सर ऐसा सुनते होंगे कि इतने सारे लोगों ने सनातन धर्म को अपना लिया और अपनी घर वापसी कर ली। लेकिन ये भी एक कड़वा सत्य है कि इस्लाम धर्म को अपनाने वाले लोग भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। हम भारत देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। जी हाँ, सऊदी अरब के इस प्रांत में 11 महीने में 56,000 से ज्यादा लोगों ने अपना लिया इस्लाम। क्या है मूल कारण और क्या है आंकड़े, हम जानेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। हाल ही में सऊदी इस्लामिक मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस साल की शुरुआत से लेकर नवंबर तक सिर्फ पूर्वी प्रांत में 56,000 से ज्यादा लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। क्षेत्रफल के हिसाब से पूर्वी प्रांत सऊदी अरब का सबसे बड़ा प्रांत है। दोस्तों, दुनिया के प्रमुख मुस्लिम देशों में से एक सऊदी अरब में इस्लाम धर्म अपनाए जाने को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। सऊदी सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के सिर्फ पूर्वी प्रांत के पिछले 11 महीने में 56,000 से ज्यादा लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। सऊदी में इस्लाम अपनाए जाने की यह रिपोर्ट इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि 10 साल पहले यानी साल 2013 में पूरे सऊदी अरब में सिर्फ 4200 लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया था। सऊदी प्रेस एजेंसी की ओर से मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 की शुरुआत से लेकर नवंबर 2023 तक पूर्वी प्रांत में 56,561 लोगों से अधिक लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इस्लामिक मामलों के मंत्रालय दवा और पूर्वी प्रांत में सक्रिय मार्गदर्शन के अथक प्रयासों का परिणाम है। सऊदी इस्लामिक मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस्लाम धर्म अपनाने वालों में सबसे ज्यादा संख्या पुरुषों की है। दोस्तों, इसका कारण हम जानेंगे, आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। रिपोर्ट के मुताबिक धर्मांतरित पुरुषों की संख्या 41,609 है, जबकि धर्मांतरित महिलाओं की संख्या 14,952 है। इस्लाम धर्म अपनाने वाले लोग विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों से हैं, जिनमें एशियाई, अफ्रीकी, यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि इन लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें लेक्चर, गाइडेड स्पीच, सेमिनार, एकेडमिक सेशन, वर्कशॉप और टूर जैसे कार्यक्रम शामिल है। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कंपनियों, अस्पतालों और प्रवासी श्रमिकों के लिए बने जगहों पर किया जाता था। इसमें शामिल वो लोग होते थे जो कई भाषाएं बोल लेते थे। वो लोग इस्लाम के प्रति दूसरे लोगों को आकर्षित करने में ज्यादा सफल रहे। लेकिन दोस्तों, असली कारण क्या है, मूल कारण क्या है, ये हम बताएंगे, आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सऊदी अरब एक संप्रभु अरब इस्लामिक राज्य है जिसमें इस्लाम आधिकारिक धर्म है। अरबी सऊदी अरब की आधिकारिक भाषा है। सऊदी अरब में प्रत्येक साल बड़ी संख्या में दूसरे देशों से काम करने के लिए लोग आते हैं और इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं। सऊदी अरब की न्यूज वेबसाइट अरब न्यूज के मुताबिक साल 2013 में पूरे सऊदी अरब में सिर्फ 4200 लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया था। इसमें सबसे ज्यादा महिलाओं ने इस्लाम धर्म अपनाया था। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 में 181 देशों के 1818 पुरुष और 2401 महिलाओं ने इस्लाम धर्म को अपनाया था। वहीं साल 2016 में पूरे सऊदी अरब में 46,000 लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया था, यानी प्रतिदिन 164 लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया, जिसमें पूर्वी प्रांत में 8,424 लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया था। सऊदी अरब को कुल 13 प्रांतों में विभाजित किया गया है। सभी प्रांत में एक गवर्नर है, एक डिप्टी गवर्नर है और एक प्रांतीय परिषद होती है।
पूर्वी प्रांत भी इसी का एक हिस्सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से पूर्वी प्रांत सऊदी अरब का सबसे बड़ा प्रांत है। वहीं जनसंख्या के हिसाब से यह रियाद और मक्का प्रांत के बाद तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है। दोस्तों, अगर इस धर्मांतरण के कारण को जानने की कोशिश की जाए तो कारण वही निकल कर आता है जो पहले था। आपको पता है कि पहले ये लोग लोगों को डरा धमका कर उनका धर्म परिवर्तन कराते थे या छोटे मोटे लालच देते थे, नौकरी का लालच देते थे, अनाज का लालच देते थे। आज भी बात वही है। जब पूरी दुनिया से लाचार और गरीब लोग धन कमाने के लिए सऊदी अरब पहुंचते हैं तो उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, तरह तरह के सेमिनार कराए जाते हैं और उनको गाइड किया जाता है। उनसे ये कहा जाता है कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो उन्हें अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छा पैकेज मिलेगा। और होता भी ऐसा ही है, जो लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं उन्हें अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। और उन लोगों को लगता है कि कौन हमें देख रहा है, हमारे देश वाले को क्या पता कि हमने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। और अपने पेट के कारण थोड़े से पैसों के लालच में लोग अपने धर्म को परिवर्तित कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।